हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मिस्टर राज सिंह 111। गाइज, सैमसंग के वन यूआई 4.0 एंड्रॉयड 12 के अपडेट ट्रैकर में सभी लोग का स्वागत है। बहुत ही बढ़िया न्यूज़ निकल के आ रही है। बहुत सारे डिवाइसेस को वन यूआई 4.0 का अपडेट मिल चुका है एंड्रॉयड 12 से रिलेटेड, और बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स मिले हैं। अगर आपका भी डिवाइस है तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, हम सपोर्ट जरूर करिए। गाइज, ये वीडियो 100% जेन्युइन है, कोई फेक वीडियो नहीं। चलिए टाइम ना वेस्ट करते, हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं कि वो कौन कौन से डिवाइस जिनको वन यू आई 4.0 एंड्रॉयड 12 का अपडेट मिल चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, अपडेट नंबर 120 जनवरी 29 की 11:19 AM बदला है कि सैमसंग ने कुछ डिवाइसेस को लॉक कर रखा है, जो कि जिसको एंड्रॉयड 12 अपडेट कनाडा में मिला है। और वो डिवाइसेस हैं सैमसंग गैलेक्सी Z425G, गैलेक्सी S20 FE, गैलेक्सी नोट 10 प्लस, गैलेक्सी S10e, S10, S10 प्लस, और रॉजर गैलेक्सी S20 FE 5G को शेड्यूल कर दिया गया है कि एंड्रॉयड 12 बेस्ड वन यू 4.0 अपडेट जनवरी 25 को मिल जाएगा कनाडा में। आई होप मिल भी चुका होगा अब तक, और उन्होंने आराम से मज़ा भी उठा लिया होगा। फिर 12:02 PM बता दिया कि सैमसंग गैलेक्सी A52 5G मेट्रो, जो टी मोबाइल का है, उसको एंड्रॉयड 12 का अपडेट मिल चुका है वन यू 4.0, जो कि US के लिए है। फिर 1:06 PM बता दें कि सैमसंग रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया एंड्रॉयड 12 का वन यू 4.0 का अपडेट गैलेक्सी नोट 10 सीरीज़ के लिए, जो कि आयरलैंड में है, और A52s जो कि लेटेस्ट OS इंडिया के लिए और अदर रीजन्स के लिए देना स्टार्ट कर दिया है। फिर 1:55 में पता चला कि A52 यूज़र जो कि साउथ अफ्रीका के, उनको भी एंड्रॉयड 12 का अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुका है वन यू 4.0 का भी है। साथ ही साथ 2:15 PM पता चला कि अनलॉक्ड गैलेक्सी फोल्ड और जेड फ्लिप यूज़र को US में अपडेट मिलना स्टार्ट हो गया। वो अब आराम से अपग्रेड कर सकते हैं एंड्रॉयड 12 में वन यू 4.0 के साथ। साथ ही साथ गैलेक्सी जेड फ्लिप और गैलेक्सी फोल्ड का वर्जन भी आता है F700U1UE, U4FUL9, F900U1UE, U6GUL9 रिस्पेक्टिवली। साथ ही साथ ये AT&T कैरियर के हैं, ब्लू ग्रास सेलुलर, कॉमकास्ट, सीज फायर वर्जन, एक्स इन्फिनिटी मोबाइल, ये सब जितने भी इनके वर्जन हैं, इसमें आप आराम से अपडेट कर सकते हो, जो कि अनलॉक्ड गैलेक्सी फोल्ड और जेड फ्लिप फ़ोन होंगे। फिर 5:39 PM पर पता चला कि सैमसंग का एंड्रॉयड 12 का अपडेट रीच हो चुका है गैलेक्सी नोट 10 और नोट 10 प्लस यूनिट के लिए, जो कि US और कनाडा में है। आराम से वो आप इसका मज़ा उठा सकते हैं। गैलेक्सी S21, S21 प्लस, S21 अल्ट्रा, गैलेक्सी Z Fold 3, जैसे कि आप देख सकते हो स्टेबल वर्जन रिलीज कर दिया गया है, और Z Fold 3 के लिए एक्सपेक्टेड है 18 जनवरी थी, जो कि अब तक मिल भी चुका है। अगर नहीं मिला है तो जल्दी ही उनको मिल जाएगा। गैलेक्सी Z3 Flip, S20, S20 प्लस, S20 अल्ट्रा, जैसे कि आप देख सकते हो रिलीज हो चुका है हर जगह। Z Flip 5G, Z Fold 5G, Note 10, Note 10 Plus, Galaxy S20 FE, जैसे कि आप देख सकते हो रिलीज़ हो चुका है हर जगह, और इंडिया में भी स्टेबल अपडेट जल्दी देखने को मिल जाएगा S20 FE के लिए। Galaxy S10 5G, S10 Plus, S10e, A52s 5G, A42s 5G, जैसे कि आप देख सकते हो रिलीज़ हो चुका है, और A52s 5G कोरिया के लिए भी रिलीज़ हो चुका है। इंडिया में फरवरी में आएगा इसका स्टेबल वर्जन। गैलेक्सी क्वांटम 2, गैलेक्सी Tab S Plus, A51 5G, Tab S7 FE, जैसे कि स्टेबल वर्जन रिलीज हो चुका है दोनों में, और A51 के लिए अप्रैल में आएगा ये अपडेट एक्सपेक्टेड है। गैलेक्सी Tab S FE 5G, A90 5G, Tab S6, Tab S6 5G, गैलेक्सी जंप, कोई स्टेबल वर्जन नहीं है, और जैसा कि बता सकते हैं कि अप्रैल तक इसका अपडेट आ सकता है। गैलेक्सी A क्वांटम, S6 Lite, Tab Active 3, A32, गैलेक्सी A31, A12, गैलेक्सी बड़ी, गैलेक्सी Wide 5, गैलेक्सी Tab A7 2020, जैसे कि आप देख सकते हो कोई भी स्टेबल अपडेट अभी नहीं आया है, और इनका मई तक एक्सपेक्टेड डेट है कि आ सकता है। गैलेक्सी Tab A7 Lite, A21s, X Cover 5, M12, M11,
कोई अपडेट नहीं है। जुलाई में M11 के लिए रिलीज़ किया जाएगा इंडिया में। M01, M02, A03S, F12, A22, F41, Tab, A720, M51, M52, M42। स्टेबल वर्जन जल्दी रिलीज़ कर दिया जाएगा और जून में इंडिया में रिलीज़ किया जाएगा इन सब का अपडेट। गैलेक्सी M32, M21, F42, F22, A22, टैब S6 लाइट, M31S, M21, M31, गैलेक्सी F62। जैसे कि आप देख सकते हो, स्टेबल वर्जन इंडिया में जल्दी देखने को मिलेगा, मई या अप्रैल में या जून तक के अंत तक मिल सकता है देखने को। गैलेक्सी A71, A72, A52, Z42, टैब Active 3, A21, A02S, A01, A11, गैलेक्सी एक्स कवर प्रो। जैसे कि आप देख सकते हो, रिलीज़ कर दिया गया है A52 UK के लिए और Z42 के लिए रिलीज़ कर दिया गया स्टेबल वर्जन। और इंडिया में जनवरी में देखने को मिलना था, आई होप मिल चुका। अगर नहीं मिला है तो फरवरी की स्टार्टिंग में मिल सकता है। गैलेक्सी फोर्ड, गैलेक्सी S10 लाइट, Note 10 लाइट, A51, S21 अल्ट्रा KT 5G, गैलेक्सी W22 5G, A52 5G। जैसे कि आप देख सकते हो, स्टेबल वर्जन रिलीज़ कर दिया गया, इंडिया में जनवरी में देखने को मिलना था, आई होप मिल चुका। अगर नहीं मिला तो जल्दी मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिए, सपोर्ट जरूर करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिस्टर राज सिंह 111 सपोर्टर्स।